Hey viewers, welcome to my channel The Wild Stallion Vlogs. So viewers, आज मैं फिर से और एक comparison video लेके आया हूँ आप ही लोग का डिमांड से. एक भाई ने मुझे बोला था कि NS 200 और Xpulse 200 का comparison video लाने, तो उसी video लेके मैं आया हूँ. But I am sorry, मैंने BS6 version जो है NS2 का वो लाने नहीं सका. तो ये 2018 मॉडल NS200 है. टेक्नोलॉजी वाइज तो ऑलमोस्ट सेम ही है, सिर्फ BS4 है, BS6 है. तो और ये रहा अपना Xpulse 2024. सो चलिए व्यूअर्स, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं और वीडियो का एंड तक रहिए, काफ़ी सारा वीडियोस आने वाला है. तो लेट्स स्टार्ट. जैसे कि व्यूअर्स आप लोग देख सकते हैं NS200 और Xpulse 200, ये दोनों मॉडल का कंपैरिजन नहीं हो सकता है क्योंकि एक है ADV और एक है स्पोर्ट्स टूरर. तो दोनों ही बाइक का परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा है. Xpulse में जैसे आपका सीटिंग पोजीशन अपराइट रहता है, वैसे ही आपका NS200 में थोड़ा स्पोर्टी सीटिंग पोस्चर है. आपको सामने का तरफ थोड़ा झुक कर बैठना पड़ता है और बाकी जो सीसी दोनों का एक है. Xpulse का है 199.6 और NS200 का है 199.5 और दोनों का BHP भी सिमिलर है. NS200 का जो BHP है वो है 18.74 और Xpulse का है 18.9, जो कि ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता है. बाकी जो Xpulse है उसका जो इंजन है वो ऑयल कूल है. ऑयल कूल का मतलब मैं आप लोगों को समझाता हूँ. ऑयल कूल का मतलब है ये जो आप जाली देख रहे हैं इसका रेडिएटर, वो रेडिएटर से आपका जो पाइप आता है, देखिए इधर में, इधर से पाइप आपका इधर ऐसे बीच में से आता है. वाइल पासिंग जो एयर है वो एयर ऑयल को ठंडा करता है. इसीलिए जब ये ऑयल कूल बाइक्स ज़्यादा बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में रहता है तो ये कंपेयर टू लिक्विड कूल ये हीट होता है. रनिंग में ही इसका मोबिल जो है वो अच्छा से ठंडा होता है. आप देख सकते हैं ये है NS200 और दिस इज़ ए लिक्विड कूल बाइक. ये रहा इसका रेडिएटर, आप लोग देखिए. और इधर में आपका जो कूलेंट लेवल है वो आप चेक कर सकते हैं और यहाँ से आप कूलेंट टॉप अप करते हो. तो लिक्विड कूल का जो एडवांटेज है वो है ये आपका, अगर बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में भी आप रहोगे तब भी इसका जो फ़ैन है ये पीछे में फ़ैन लगा रहता है. इधर से शायद नहीं दिखेगा, थोड़ा थोड़ा दिख रहा है, देखिए उधर में जो फ़ैन रहता है वो फ़ैन का हेल्प से ये इंजन को ट्रैफिक में भी, हेवी ट्रैफिक में भी इंजन को कूल रखता है, वेयर एज हाईवे में तो ठंडा रहता ही है. व्यूअर्स, यहाँ पे जो 2018 मॉडल था NS, अभी फ़िलहाल अगर नया बाइक मुझे मिलेगा तो मैं ज़रूर आप लोगों के साथ शेयर करूँगा. बट इस वाला मॉडल में एनालॉग एंड डिजिटल दोनों ही है मीटर में और काफ़ी सारा इन्फॉर्मेशन भी आता है. वेयर एज Xpulse का जो मीटर है वो कंप्लीट डिजिटल है. आप लोगों को मैं पहले भी शेयर कर चुका हूँ इसका डिटेल्स, अगर किसी को कुछ कन्फ्यूजन है तो जाके देख सकते हैं वो मीटर वाला वीडियो. अब आता है ये दोनों बाइक का कैपेबिलिटीज़. जो Xpulse है वो आप डुअल पर्पस यूज़ कर सकते हो. आप अगर हाईवे में भी जाओगे तब भी उतना अच्छा लगेगा और अगर आप ऑफ रोडिंग करना चाहोगे तब भी ये काफ़ी अच्छा परफॉर्म करता है ऑफ रोड में. वेयर एज NS200 जो है उसका ग्राउंड क्लियरेंस काफ़ी कम है कंपेयर टू द Xpulse.
तो ये मेनली डेली कम्यूट और हाईवे फोकस्ड बाइक है। इससे आप ऑफ रोडिंग थोड़ा मोड़ा तो कर लोगे, बट वो नीचे में लगेगा, इंजन का नीचे लगने का चांस रहता है, क्योंकि इसका ग्राउंड क्लियरेंस जो है वो कम है। तो एक्सपल्स का जो है ग्राउंड क्लियरेंस वो है 220 mm। सो वेयर इज NS200 का जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो है 168 mm। तो दोनों बाइक का जो ग्राउंड क्लियरेंस का जो डिफरेंस है, एक्सपल्स 52 mm ज़्यादा है NS से। तो आप सोच ही सकते हैं काफ़ी हाइट वाला बाइक है। सो एक्सपल्स का जो खासियत रहता है वो रैलीज और ऑफ रोडिंग में ज़्यादा बेहतर होता है। आप NS का जो है, NS काफ़ी अच्छा बाइक है, बजाज का काफ़ी स्मूथ है, फ्यूल इकोनॉमी बाइक है, और ये डेली कम्यूट और हाईवे फोकस्ड में ज़्यादा अच्छा होता है। NS का स्टाइलिंग काफ़ी प्यारा स्टाइलिंग है, आप देख सकते हैं एकदम जो एयरोडायनेमिक जो बॉडी शेप है वो विंड को काटने में काफ़ी अच्छा होता है। वेयरस एक्सपल्स तो अपराइट बाइक है और काफ़ी बेहतर रहता है कोई भी टेरेन में। इसका जो सीट हाइट है वो आपका 805 mm है। एक्सपल्स का जो सीट हाइट है वो है 823 mm। तो दोनों का जो डिफरेंस है वो है 18 mm। NS200 18 mm शॉर्ट है एक्सपल्स से, तो थोड़ा शॉर्ट हाइट राइडर के लिए भी काफ़ी बेहतर रहता है NS200। देख सकते हैं डिस्क ब्रेक फ्रंट में भी है और बैक में भी डिस्क है NS200 का, और ये बाइक डुअल चैनल ABS में आते हैं। जो एक्सपल्स है उसका भी डुअल व्हील में डिस्क ब्रेक है सामने भी या और पीछे भी, बट एक्सपल्स आता है सिंगल चैनल ABS में। तो व्यूअर्स, जो एक्सपल्स है उसमें सिंगल चैनल ABS देने का और भी एक कारण है, ये मेनली फोकस्ड है ऑफ रोडिंग में, और ऑफ रोडिंग में अगर रेयर व्हील ABS रहेगा तो थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, इसीलिए हीरो ने सिर्फ इसको सिंगल चैनल ABS में ही बनाया। एक्सपल्स को डुअल चैनल ABS भी हीरो बना सकता था विथ ए स्विचेबल ABS, जो ऑफ रोडिंग के टाइम में आपका रेयर व्हील का जो ABS है उसको ऑफ कर सकता था, जैसा हिमालयन में आता है। बट एनीवे जो है सो है, एक्सपल्स में सिर्फ फ्रंट व्हील में ही ABS आता है और काफ़ी अच्छा वर्क करता है। वेयर एज NS200 में डुअल चैनल ABS है, बट कोई ABS स्विचेबल नहीं है, इसका ABS एनी टाइम ऑन रहता है। एक्सपल्स का जो ABS है फ्रंट ABS, उसका तीन मोड आता है, रैली, ऑफ रोड और प्लेन। वेयर एज NS में कोई वैसा मोड है नहीं अभी तक, तो दोनों का ही प्लस माइनस पॉइंट रहता है उसमें, अभी क्या कर सकते हैं, वो कंपनी धीरे धीरे अपडेट करेगा, जब करेगा तब देखा जाएगा। अगर आपको ऑफ रोड भी करना है, हाईवे में भी जाना है, ओवरऑल सब करना है, तो आप एक्सपल्स ले सकते हैं, ये मल्टीपर्पज़ व्हीकल है। वेयर एज जो अपना NS है, NS मेनली डेली कम्यूट और हाईवे फोकस्ड बाइक है, और काफ़ी अच्छा परफॉर्म करता है हाईवे में, और जो एवरेज है वो 40 प्लस का एवरेज आराम से दे देता है। एक्सपल्स जो है ये भी 40 प्लस एवरेज क्लेम करता है, और ये उसका जो वीडियो है मैं नहीं ला पा रहा हूँ अभी, क्योंकि मैं थोड़ा बाहर जाने वाला हूँ, वो आने के बाद मैं एक्सपल्स का जो प्रॉपर टैंक टू टैंक माइलेज वीडियो होगा वो मैं लाऊँगा। तो व्यूअर्स, मैं एक बात करना चाहता हूँ आप लोगों से, मेरा कल से एक रोड ट्रिप स्टार्ट होने वाला है 10-12 दिन के लिए। तो जैसे आप लोग मेरा ये बाइक और कंपैरिजन वीडियो में मुझे सपोर्ट कर रहे हो, वैसा मेरा ट्रैवलिंग वीडियो में भी कीजिए, यही चैनल में वीडियो आएगा।
मैं मेरा मम्मी पापा के साथ कलकत्ता जा रहा हूँ बाय रोड, तो वही जर्नी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। होप करता हूँ आप लोगों को अच्छा लगे, और ज़रूर ट्रैवलिंग व्लॉग्स में भी मुझे आप लोग सपोर्ट करें, और अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें। तो ये अगर जो ये पर्टिकुलर वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, तो ज़रूर वीडियो को लाइक कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय।